तो गाइस अभी आ चुके हैं हम यहाँ पे प्रोवे एग्जीबिशन। उधर के साइड जो है वो लाउड वाला चल रहा है, ये है एचएफ वाले जिनके लाइन रेस में सिर्फ प्रेशर मेल्ट नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो डेमो अभी स्टार्ट हो जाएगा, इससे पहले मैंने सोचा कि आपको डिटेल बता दूँ कौन कौन से ब्रांड कैसे कैसे लगे हुए हैं। वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे है डायनामाइट, यहाँ पे है एन लैब्स, ये है पिंटो, इसके बाद ए प्लस आ जाता है गैंगस्टर जिसका मैं कहूँगा अच्छा बज रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ये आरआर राजा राजेश्वरी एब्सोल्यूट ऑडियो, यहाँ पे ये आ जाता है ऑडियो ट्रैक। इसके अलावा यहाँ पे ये आ जाता है आपका बी ई अकोस्टिक, फिर वो है वो डायनाटेक वालों का, और एक यहाँ पे भी लगा हुआ है ये ए टोन का जो है वो लगा हुआ है। फिलहाल में अगर मैं सबके कंपैरिजन या फिर मैं मटेरियल दिखाऊं, क्योंकि खाली पड़ा हुआ है अभी, तो अपने को फ़ायदा ये मिल गया है कि अभी मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो डिटेल के अंदर दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे 6 बेस, 2 टॉप, टॉप अगेन डायनामाइट, सब कुछ डायनामाइट। पीछे भी अभी हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें जो है वो लगी हुई है। तो यहाँ पे एम्पलीफायर्स की बात करूँ, जो डी 2.4.2 यहाँ पे ये आपके कोएक्सल के हैं, 4.25 यहाँ पे ये आपके प्रेशर मिट के, वो सॉरी स्पीकर्स मिट के हो जाते हैं, बाकी बेस के लगा है। एक मिक्सर सिंपल कंसोल से चल रहा है, वहाँ पे एक वो लगा हुआ है, इनका ये होता है एक डीएसपी वहाँ पे इन्होंने अटैच करा हुआ है, D26 करके कुछ है डीएसपी, तो वहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये तो जाता है डायनामिट, और ये एनलैब्स जो है बेसिकली यहाँ पे एनलैब्स अपने 4 टॉप के साथ में आया, 4 टॉप के साथ में यहाँ पे इनके ये कुछ एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं, ये डीएसपी के साथ में यहाँ पे लगा हुआ है, सिंपल सोवर सा इन्होंने सेटअप रखा हुआ है यहाँ पे भी। फिर ये पिंटू है, हाँ पिंटू जो है, पिंटू के 2 सेटअप हैं, एक जो यहाँ बज रहा है और एक जहाँ पे अभी पीछे वो आवाज़ आ रही है वहाँ पे वो प्रेशर मिट वाला साइड लगा रखा है। तो यहाँ पे 4 टॉप, 6 बेस, 6 बेस के साथ में ये यहाँ पे दिखता है, इनका भी सिंपल मेरे को लगा, ये डीएसपी लगा रखा है इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पे ये टॉप के एम्पलीफायर हो जाते हैं, बेस के एम्पलीफायर हो जाते हैं सारे यहाँ पे ये करा हुआ है। फिर आ जाता है ये है मेरे ख्याल से ए प्लस ने मिक्स कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है, ऊपर लगा रखे हैं 8 टॉप यानी 8 लाइनरेज, नीचे 6 बेस मेरे ख्याल से कंफर्म करना पड़ेगा, हाँ 6 बेस है। और यहाँ पे जो ये अपने एम्पलीफायर्स हैं, एम्पलीफायर ये एक बेस का है, वो 2 बेस के हैं, यहाँ पे ये इनको शायद कुछ प्लेयर वगैरह उन्होंने लगा रखा है, ऊपर वो डायनामाइट का वहाँ पे एक डीएसपी रखा हुआ है, बाकी ये टॉप के लिए शायद लगा रखा है। तो ये सारा सिस्टम है, मिक्स है इनका ए प्लस वालों का, मे बी हो सकता है डीलर्स की वजह से डायरेक्ट नहीं आया होगा। फिर जो गैंगस्टर है, अभी गैंगस्टर का क्या है कि गैंगस्टर में भी आपको सिंपल मिलेगा, ये आपके टॉप्स के एम्पलीफायर हो जाते हैं, ये बेस के एम्पलीफायर हो जाते हैं, ये 3 डीएसपी है, डीएसपी बेसिकली हो सकता है कि 3-way सिस्टम चला रहे हो तो सेपरेट यहाँ पे जो है वो दे दी गए, तो ये हो जाता है 6 बेस है इनकी, और यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एरेज है, तो ये इसके अंदर मिक्स इन्होंने ला रहा है। बाकी एक छोटा सा यहाँ पे एक साउंड कार्ड यूज़ करके और इसको रन कर रहे हैं, अच्छी बात लगी। यहाँ पे ये हो जाता है आरआर करके, इसमें इन्होंने 4 बेस और ऊपर मेरे ख्याल से कुछ 2, 2, 4, 2, 6 टॉप्स लगा रखे हैं, ये यहाँ पे फिर इन्होंने ये ज़ाइफ्रिक्स के एम्पलीफायर और ये डीएसपी ऊपर 260 और ये स्टेबलाइजर के साथ में अटैच करा हुआ है पीछे, और ये आ जाता है ऑडियो ट्रैक। हाँ ऑडियो ट्रैक ने यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 एरेज इन्होंने भी लगा रखे हैं, 6 बेस इन्होंने भी लगा रखी है। फ्रंट में कुछ इस प्रकार से है, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ये हो जाता है ऊपर के जो 3 एम्पलीफायर है वो जाते हैं टॉप के, नीचे के बेस के हैं, तो ये इस प्रकार से है। ड्राइव रैक 360 वेन्यू यूज़ करा है इन्होंने, तो वेन्यू यूज़ करने में और 260 में डिफरेंस होता है टोन का, थोड़ा ये ध्यान रखना। बी अकोस्टिक गैंगस्टर के बाद ये मुझे थोड़ा ठीक लगा, और यहाँ पे ये बी अकोस्टिक के 3 बेस के एम्पलीफायर हैं, 4 टॉप के एम्पलीफायर हैं, ये सिंपल सा सेटअप है, 2, 2, 4, 2, 6 इन्होंने भी 6 और 6 बेस करा हुआ है। फिर आ जाता है डायनाटेक, डायनाटेक का वही पैसिव एरेज है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 के आसपास इन्होंने लगा रखा है, तो इनके जो एम्पलीफायर्स हैं वो यहाँ पे हैं। साइड से मॉडल नंबर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ से देख लीजिए ये हो जाता है, और ये एक साथ सेटअप जो है वो बंद रखा हुआ है, मे बी फॉर कि चल नहीं रहा है इस वजह से, लेकिन ये नई सीरीज है डायनाटेक की, ये देख लीजिए ये नई सीरीज है, तो ये लगा रखा है। चलिए अभी अब जो है ये हो जाता है कंप्लीट कि हाँ ये सारा सिस्टम यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, और ये तरीके से यहाँ पे जो टेस्टिंग पे मैं कहूँगा मेरे को बेस्ट जो लगे, या फिर कह सकते हैं कि भाई जेन्युइन बताओ, तो इन सब में से ये एक गैंगस्टर,
और एक ये बी ई अकोस्टिक का मुझे पर्सनली मैं कहूँगा बेटर लगा। तो टेस्टिंग में आपको एक काम करता हूँ, सबकी छोटी छोटी सी एक टेस्टिंग में आपको दे देता हूँ क्या कैसे करा हुआ है। कंसोल जो है वो बेसिकली यहाँ सामने यहाँ पे सबके बनाए हुए हैं, कुछ ने भी बैक में बनाए हुए हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि कंसोल जो है बेसिकली दूर रखा है, किसी का पीछे ही लगाया है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो चलिए अभी एक छोटी छोटी सी टेस्टिंग जो है वो वहाँ से स्टार्ट होगा, स्लॉट जो है वहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पे फिर आगे बढ़ता जाएगा, फिर वापस वहीं पर आएगा। और आई होप आपको ये पसंद आएगा। चलिए टेस्टिंग। Crispy highs, power.
Pinto. Pinto, the complete audio solution. Speaker check in progress. Rumbling. The medium. The aggression. Check completed. Robots, transform and roll out. Thank you.
इसकी सबकी टेस्टिंग पसंद आई होगी छोटी छोटी सी। बाकी यहाँ पे ओवरऑल पूरा सेटअप भी अच्छा बज रहा था, बी की बेस अच्छी बज रही थी और यहाँ पे डायनाटेक का लैंडरे मुझे अच्छा लगा। लैंडरे काफ़ी स्वीट सॉफ्ट और अच्छा बज रहा था। डायनाटेक रसिक भी अच्छा ब्रांड है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल ये सारे सेटअप है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जो करना, वो वहाँ से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, वो प्रेशर मिड वाले हैं तो इसको इग्नोर करो। अलग ही गाने चल रहे हैं, मज़ा आया। लेकिन प्रोवैक्स में एक ये भी था ये टोन यहाँ पे देख सकते हैं, और ओवरऑल मज़ा आपको आया होगा वीडियो का, तो ज़रूर नीचे लाइक्स कमेंट ज़रूर करना और बताना किसका, जेन्युइन बताना कि किसका यहाँ पे आपको पसंद आया।